नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। दर्शकों, क्या आपने सिटी हलचल पेज लाइक किया? अगर नहीं किया तो जल्द करें, ताकि हमारी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का फटाफट बुलेटिन। नंगल के अजोली मोड़ नाके से ड्यूटी कर वापस लौट रहे पंजाब आर्मड पुलिस के जवानों की सेंट्रो कार सड़क किनारे खड़े एक टिप्पर से टकराने से पंजाब आर्मड पुलिस के दो जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया गया है। यह हादसा गत देर रात लगभग 12 बजे के करीब हुआ और इस हादसे का कारण रात में पड़े घने कोहरे को माना जा रहा है। मृतकों की पहचान एएसआई जसविंदर सिंह मक्खू फिरोजपुर व जलंधर के राजकुमार के रूप में हुई है, जबकि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी की पहचान बलविंदर राय के तौर पर हुई है। सिटी हलचल भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि वाहन चलाते समय चौकस रहे, क्योंकि घना कोहरा हादसों का कारण बनता है। पंजाब सरकार की ओर से नवनियुक्त किए गए पीसीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह ने नंगल तहसील में बतौर नायब तहसीलदार का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर नायब तहसीलदार जसप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी नियुक्ति सरकारी तौर पर तहसीलदार की गई है, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 9 महीने तक उन्हें ट्रेनिंग हेतु नायब तहसीलदार के तौर पर कार्य करना होगा। उन्हें कहा कि वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी व लगन के साथ निभाएंगे। इस मौके पर तहसीलदार रामकृष्ण एवं तहसील कार्यालय का स्टाफ भी उपस्थित था। भारतीय जनता पार्टी नंगल मंडल की एक अहम बैठक जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बयान दिया था कि भाजपा को नंगल नगर कौंसिल के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है 40 निवेदन मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में इन चुनावों को लेकर पूरा उत्साह है। उन्होंने कहा कि 27 या 28 जनवरी को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा बेटियों को स्मार्टफोन देने व महिलाओं को नौकरी में 33% रिजर्वेशन देने को लेकर जिला परिषद की चेयरपर्सन ने एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार के इस निर्णय से महिलाओं व बेटियों में हर्ष का माहौल है और सरकार के इस निर्णय से महिलाओं को पुरुषों से समानता का एहसास होता है। देखे सिटी हलचल से बात करते हुए जिला परिषद की चेयरपर्सन कृष्णा देवी ने क्या कहा। मैं कृष्णा देवी, चेयरपर्सन जिला परिषद रूपनगर, आप जी नूं इह दसण विच बहुत ही खुशी महसूस करदी हां कि पंजाब सरकार वालों औरतां नूं बराबर दा अधिकार, स्कूली विद्यार्थियों नूं मोबाइल फोन ते चोणां विच 50% ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने जा रहे भगवान श्री राम के मंदिर हेतु चलाई जा रही धन संग्रह की मुहिम के तहत बीबीएमबी से सेवानिवृत्त हुए मुख्य अभियंता के खोसला व उनकी धर्मपत्नी गीता खोसला ने 5100 रुपए और सेवानिवृत्त अभियंता रंजन शर्मा व उनकी धर्मपत्नी पूर्णिमा शर्मा ने 11000 रुपए का चेक भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संपर्क सचिव के सूद को सौंपे। बता दें कि के सूद खुद बीबीएमबी में बतौर उप मुख्य अभियंता सेवाएं दे रहे हैं। जिला रूपनगर पुलिस द्वारा जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी के दिशा निर्देशों व एसपी सिटी सतेंद्र पाल सिंह, डीएसपी तलविंदर सिंह गिल व इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ शुरू की गई विशेष मुहिम के तहत मुरिंडा रोड पर लगाए नाके के दौरान एक लग्जरी कार से चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब की 56 पेटियां बरामद की है। हालांकि कार चालक ने कार को भगाने का प्रयास भी किया, लेकिन पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने कार का पीछा कर कार को पकड़ लिया। कार चालक की पहचान बूटा सिंह पुत्र करमजीत सिंह निवासी रायकोट जिला लुधियाना के तौर पर हुई है।